साथियों, उत्तर प्रदेश में 9 अक्टूबर को माता रमाबाई आंबेडकर ग्राउंड पर माननीय बहुजन नायक कांशीराम जी के स्मृति दिवस के अवसर पर बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से उत्तर प्रदेश में बहुजनों की रैली महागठबंधन बनाने के लिए आयोजित की गई है। ये रैली माननीय वामन जी मेश्राम साहब, माननीय सज्जाद नौमानी साहब और माननीय चौधरी विकास पटेल ये इस रैली के लिए लीड कर रहे हैं। इस रैली का जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य बहुत अहम है। तीन प्रमुख कारण जो कि महत्वपूर्ण है बहुजन समाज के उद्देश्य के लिए। पहला है ओबीसी की जाति निहाय जनगणना होनी चाहिए, जो कि नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में इसके विरोध में हलफनामा दिया है। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से बहुजनों का जो वोट है वो चुराया जाता है। ये व्हाइट कॉलर डाका है भारत के इतिहास में। और तीसरी बात है, हमारे जो फार्मर्स है, जो फार्मर्स लॉ, जो तीन फार्मर्स के काले कानून है, ये जो ड्रैकोनियन लॉज है, ये लॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन है, इसके विरोध में ये रैली आयोजित की है। साथियों, ये जो बहुजन समाज की जो रैली है, लेकिन भारत में तो बहुजन समाज नहीं है, तो बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से जितने भी बहुजन लोगों के या तो जाति आधारित संगठन है या महापुरुषों के नाम पर अलग अलग संगठन है, ऐसा हजारों लाखों संगठन भारत में तैनात है, फिर भी हमारी समस्या वैसे की वैसे बरकरार है। तो साथियों, बहुजन समाज बनाने की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। इस बहुजन समाज बनाने की प्रक्रिया में मैं डॉक्टर मगन ससा ने नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन मैं ये अपील करता हूं, सभी हमारे भारत में जो डॉक्टर एक्टिविस्ट है उनको अपील करता हूं कि ये जो बहुजन समाज बनाने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को तन मन धन से आपने साथ सहयोग देना चाहिए, ताकि भारत में जो अल्पजन का कब्जा हो रहा है, इस अल्पजन का कब्जा को खत्म करने के लिए बहुजन समाज बनाने की प्रक्रिया के मौके को हमें बहुत तेज करना होगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि सभी डॉक्टर लोग जिस तरह से आप डॉक्टर तो बने हैं, लेकिन डॉक्टर की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए आप इस रैली को सफल बनाएंगे, ऐसी आशा और विश्वास करता हूं। और ये अपील मैं करता हूं। धन्यवाद। जय मिल निवासी।